पेट्रोल की कीमतों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा बना लिया है। इनकी कीमतों में रोजाना करीब 30 से 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर आने वाले दिन पेट्रोल और डीजल के दाम कहां जा सकते हैं, इसका अनुमान गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट से मिला है। दरअसल फिलहाल कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गई है। ऐसे में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर जो दावा किया गया है, उससे आशंका है कि अगले साल से एक लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपए हो जाए। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो फिर पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी देश के कुछ हिस्सों में 140 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। इस समय इंटरनेशनल कच्चा तेल जो है वो $82 का है और भारतीय रुपया जो है वो 75 के पास है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल में 40 रुपए प्रति लीटर यहां पर कच्चा तेल बैठता है। और भारत में एक्साइज और वैट और रिफाइनरी चार्जेस अगर लगाकर देखें तो वो 107 रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर इनमें से या तो भारत का रुपया यहां पर अगर डॉलर के अगेंस्ट में वीक होता है या फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो बहुत जल्द पेट्रोल के दाम 150 रुपए तक हो सकते हैं। फ्यूल की कीमतों को इस स्तर तक ले जाने में बड़ा रोल सरकार की टैक्स ना घटाने का रहेगा। इससे कच्चे तेल के दाम बढ़ने के साथ पेट्रोल डीजल के दाम उछलते रहेंगे। फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। जल्दी ही इनके $110 प्रति बैरल तक जाने की आशंका है। यानी आज के हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में 30% का इजाफा हो जाएगा। इस 30% बढ़ोतरी से भारत में पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर और डीजल 140 रुपए प्रति लीटर हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चाहे कच्चे तेल की कीमतें बढ़े या घटे, अगर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों ने वैट में कटौती नहीं की तो फिर ये दाम कच्चे तेल के अनुपात में ही घटेंगे या बढ़ेंगे। पेट्रोल के दाम 2021 में अभी तक 21% बढ़ गए हैं। अगर इन पर 2014 के हिसाब से टैक्स लगाया जाए तो ये सेंचुरी लगाने की जगह 66 रुपए प्रति लीटर पर होते। ऐसे में अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो इकोनॉमी की ग्रोथ पर मंडरा रहे महंगाई के डंक को बेअसर करने के लिए टैक्स घटाती है या नहीं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।